प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आना है और 2412 करोड़ रुपए की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। हम इस वक्त वाजिदपुर के उसी स्थल पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है। आप देख सकते हैं लगभग 20 से 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था इस पूरे पंडाल में की गई है। जर्मन तकनीक से बनाया गया यह पंडाल अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन जब भी काशी में हुआ है वो इस तरह के ही पंडाल में उनके सारे आयोजन होते रहे हैं, और इस बार भी वाजिदपुर में यह भव्य पंडाल तैयार हुआ है। फिलहाल मंच पर इस वक्त SPG और PMO की टीम भी मौजूद है जो लगातार पूरे कार्यक्रम की निगरानी कर रही है, और प्रधानमंत्री कल दोपहर में लगभग 12 बजे के बाद काशी में आएंगे और आने के साथ ही सीधे पहुंचेंगे रामनगर में उस बंदरगाह पर जो पहले वाटरवे के रूप में तैयार किया गया है और मल्टी मॉडल टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे और लीवर खींचकर पहला जो आया जहाज पर, मालवाहक जहाज पर कंसाइनमेंट है, उसको जेटी पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, रिंग रोड पर रोड शो भी करना है और यहाँ पर निरीक्षण भी करना है। फिलहाल प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होने वाला है वो बेहद खास है और उसकी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं।